over. It is time to listen from the word of God. और स्तुति आराधना समाप्त हो चुकी है. अब ये समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन से सुने. लास्ट से मंडे ऑल ऑफ अस वर ब्लेस्ड विद द मैसेज दैट वी हैव रिसीव्ड थ्रू गॉड्स सर्वेंट एंड थ्रू द लाइफ ऑफ एलिशा. गत शनिवार परमेश्वर के दास के द्वारा एलिया के जीवन संदेश को सुनकर हम सचमुच आशीषित हुए. इट इज नॉट दैट we will not have any problems as we are studying here or maybe as we are teaching or as we are leading the families. Behind each individual always problems will be there. भले आप यहाँ अध्ययन कर रहे हो या भले आप शिक्षक के रूप में शिक्षाएं दे रहे हो, जो भी आप क्यों ना कर रहे हो, अपने घर में आप क्यों ना रह रहे हो, आप भले मसीही हैं लेकिन समस्या आपके जीवन का अंग है. And especially those who are new to this college or institution, they may be troubling in their lives or in their hearts. Why we have come and it is so much of hardship for us to continue and go. But scripture tells that you have been called. जो लोग नए हैं इस वातावरण के लिए, वह भी बहुत अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन एक बात आप जान लें कि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं. So through the scriptures we have to adjust ourselves or we have to say get hope from the Lord so that we'll be able to continue in this institution. परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने आप को ढालना है या फिर इस वातावरण में रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन सीखना है कि कैसे हम यहाँ पर रह सकते हैं. The main portion or scripture that I selected is John 15:16, which tells that ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. जो मुख्य परिच्छेद मैंने चुना है वो यूहन्ना की इंजिल उसका 15 अध्याय उसकी 16वीं आयत में है, जहाँ यो लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है. It is not telling to the teaching staff that I have chosen you or I have selected you, but to each of the individuals, those who are assembled here, to each of us, this scripture tells that I have chosen you, but you have not chosen me. जब परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ये केवल उनके लिए नहीं जो यहाँ पर शिक्षक है, परंतु हर एक जो यहाँ बैठा है आपके लिए ये वचन दिया जाता है. Ephesians 1:4 tells that before the foundations of the world I have chosen you. एफिसियों की पत्री पहले अध्याय उसकी चौथी आयत में लिखा है, जगत की नींव डालने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है. Also, it is not when you have repented and got salvation, God has chosen you. Or called you, but it is before the foundations of the world that you and me have been chosen and also are called. ये नहीं कि जब आपने उद्धार पाया तब परमेश्वर ने आपको बुलाया, परंतु जगत के नींव डालने से पहले परमेश्वर ने आपको बुलाया है. And in 1 Peter 1:2 we read Peter Peter calls them as the elect according to the यदि आप पत्रस पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत को आप यदि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर अपने ज्ञान के अनुसार आपको पूर्व निर्धारित उसने किया. So it is before the foundation of the world that you have been chosen or called, and also he calls us as elect. और आप देखिए जगत की सृष्टि से होने से पहले उसने आपको चुना और आपको वो चुने हुए लोग कहकर पुकारता है. And if you see choosing, that is, I have chosen you. Christ tells to each of us, I have chosen you. So, what is choosing? If we go, for example, about 10 days back, our vice principal has chosen some leaders of this college so that the management of the college will be going smoothly, so that he will not be able to interfere alone for all things. चुनने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे प्रेसिडेंट जाने के पहले उन्होंने कुछ लोगों को चुना, कुछ अगुओं को चुना और उन्हें खड़ा किया कि वो यहाँ की बातों का प्रबंधन कर पाए, कि उनको अकेले ही सारी बातों की ओर देखना या जिम्मेदारी ना लेना पड़े, परंतु उनके साथ यह अगुए उनके बोझ को साझा कर पाए. Suppose if 100 students are here
He has not selected everybody, but out of 100 people, he has selected 10 people. मान लीजिए सैकड़ों बच्चे यहाँ पर हैं, लेकिन उन सभी को 100 को उन्होंने नहीं चुना, परंतु 10 लोगों को चुन के अलग किया जो अगवे के रूप में निर्धारित किए गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक कि इसराइलियों के समय में भी वहाँ पर बहुत से लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने इसराइल को अपनी प्रजा होने के लिए चुना। There were hundreds of people or thousands of people were there, but only few the clan of Abraham was very few people at that time, and he tells them, I have chosen you out of all the countries which are in the world. और दुनिया में तमाम देश जो पाए जाते हैं, परमेश्वर इज़राइल से कहता है जो कि अब्राहम के वंशज़ थे कि मैंने तुमको चुना है। The same way you and me, you have been chosen, or you and other, he tells in first Peter 1:2, elected, you have been elected. पहला पत्र 1 और 2 में लिखा है कि आपको चुना गया है। So election comes where once in 5 years you see state elections and central elections. So election means say 1 lakh people will be electing one person as MLA. आप देख सकते हैं कि 5 वर्ष में एक बार हमारे यहाँ चुनाव होता है, हमारे राज्य का चुनाव होता है, तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख लोग मिलकर के एक MLA को चुनते हैं। That is the mind of God or mind of Christ, mind of sense of Apostle Paul to tell to the believers that you are being called and also you have been elected or you have been chosen by the living God. और यही बात प्रेरित पौलुस के मन में थी जब वो इसे लिख रहा था कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है। Romans 8:28. रोमी 8:28 में and we know that all things work together for good to them that love God. The second part. To them who are the called according to his purpose. रोमियो की पत्री 8:10 के 28वें आयत में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। You have been called or I have been called or all of us were called according to the purpose of God or the purpose of Christ. तो आप सभी को, मुझे, हम सभी को बुलाया गया है कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। And in each one of us, there are so many purposes are there. For me, for some of us, he has called to preach or first to be in the government service, for example, for me. And he has chosen also for his purpose of teaching the word of God to the students. तो आप देख सकते हैं अलग अलग उद्देश्य सबके जीवन में परमेश्वर रखे। किसी को सरकारी नौकरी करने के लिए, जैसे कि अपना उदाहरण मैंने आपको दिया, और किसी को शिक्षक बनने के लिए, किसी को और किसी सेवकाई के लिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत सबको बुलाया है। सो देयर इज सम पर्पस इन योर कॉलिंग एंड वी हैव टू सी दैट वी विल बी एबल टू नो द पर्पस ऑफ गॉड इन सेलेक्टिंग मी, इलेक्टिंग मी और चूजिंग मी फॉर हिज सर्विस। तो मुझे बुलाने के पीछे, मुझे चुनने के पीछे, मुझे सेवा के लिए निर्धारित करने के पीछे परमेश्वर की योजना थी। And if you read verses 29 and 30, there are so many things that I will read. For whom he did foreknow, he also did predestinate. To be conformed to the image of his son. Say, the purpose of calling or the purpose of choosing us is to be translated in or to be conformed into the image of Christ. 29 आयत में लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों का पहलौठा ठहरे। अब उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया कि आप उसके पुत्र के स्वरूप में तब्दील हो जाएं। We were not living up to the word of God previously before submitting our lives to the hands of God. And you are living in so many sinful activities, but he wants that the purpose behind calling you and me or electing you and me is to be conformed into the image of Christ. तो वो कहता है कि आप उद्धार में आने के पहले आप पाप में जीवन में
संलग्न थे, आपके अंदर बुराइयां थी, लेकिन मसीह यीशु पर विश्वास करने के बाद आपका जीवन मसीह यीशु के स्वरूप में परिणित होता जाता है। 30th verse, moreover, whom he did predestinate, them also called, and whom he called, them also justified, and whom he justified, them he also glorified. 30th आयत में लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। So the purpose of calling also is to be justified. तो बुलाने का एक और उद्देश्य है कि आपको धर्मी ठहराए। And through that justification, or when we are justified, we have to bring also glorified, to bring glory unto the name of God. और जब हमें धर्मी ठहराया जाता है, तो हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। So let us examine ourselves whether we are in the chosen group. तो आइए हम अपने आप का जांच करें, अवलोकन करें कि क्या हम चुने हुए लोगों के समूह में हमारा नाम आता है या नहीं। Let us turn to Matthew. आइए हम मत्ती 25 सुसमाचार में आए, उसके 22वें अध्याय में 22 उसकी 14 आयत से लेकर। Let us read. 14. For many are called, but few are chosen. बहुत तेरे बुलाए गए हैं, पर चुने हुए थोड़े ही हैं। Also in Matthew 20 verse 16 tells that the first will be becoming last, and the last will be becoming first. और उसी मत्ती की सुसमाचार 20 के 16 में लिखा है कि जो पहले हैं इस रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। So we have examined whether those who are from two or three generations in the Christian family, whether we are, if you think that, you satisfy that we are living in Christian family, we may be losing our status, we may become last. जो लोग मान लीजिए 2-3 पीढ़ियों से मसीह परिवार में जन्म लिए और वो सोच रहे होंगे हम मसीह ही हैं, लेकिन आप सचेत रहें कहीं आप अपने उस स्थान को गंवा ना दें। What I mean that if you satisfy yourself by becoming for being Christian, it will not be working, but you have to see your calling for which purpose. Unless you differentiate or you know the calling, you will not be able to please God, and through which, even though we are Christians from several generations, we will not be treated, but we have to go back. भले आप मसीह हैं, लेकिन आपको अपने जीवन को जांचना है कि क्या आप अपने जीवन को अपनी बुलाहट के अनुसार जी रहे हैं, क्योंकि भले ही आप मसीह की गिनती में आते हैं, लेकिन हो सकता है परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों की सूची में आपका नाम ना हो। But maybe some people are there, maybe there, who have accepted Christ just few months back or days back, and he is living according to the scriptures or the purpose, because we have to know the purpose behind our calling, and if you understand well and go forth, they will, even though they are just now called, they will become first. और भले दूसरी तरफ आप देखें, भले जो कुछ अन्य जाति भले महीने दो महीने पहले विश्वास में आए हों, लेकिन यदि उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो हो सकता है कि वह बुलाए हुए लोगों के उस सूची में हो, लेकिन बहुत तेरे मसीही ना हो। I think I made it understand, because first will be become last, and last will become first. Have you? I think I have understood. और मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। Luke's Gospel. आइए हम लुका रचित सुसमाचार में आए, 14 14 अध्याय। From 16, उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। And there are, we know the parable of which Christ told. और वहाँ दृष्टांत के बारे में दिया गया, मसीह यीशु ने बताया, हम सबको पता है। सत्रह आयत में। No, the verse, say in this parable we see few people are being called, so many people are being called, and when they called, because there was a great feast or
supper he has arranged. So the people went into that city or town, informed all the people that there is going to be a supper. इस दृष्टांत को आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि एक व्यक्ति बहुत बड़े भोज का आयोजन करता है और अपने नौकरों को भेजता है कि उस नगर में जितने लोग हैं उन्हें उस भोज के लिए आमंत्रित करें। And one individual told in 18th verse, he tells there are three types of people are there and each individual has given some blame excuse for they are not able to come and join them in the feast. सबको न्योता दिया गया लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने बहाना किया कि हमारे पास ये काम है, हम भोज में नहीं आ सकते। The, for example, the first one told that I have purchased a piece of land and I have to go and see that. जैसे कि मान लीजिए पहला एक व्यक्ति है, वो बहाना बनाता है कि मैंने भूमि का टुकड़ा हाल में खरीदा है, मुझे जाकर उसकी निगरानी रखनी है, मैं नहीं आ सकता। Another told I have bought 5 yoke of oxen. I have to go and test them in the field. और ये कहता है कि मैंने 5 बैलों का जोड़ा मोल लिया है, मुझे जाकर उन्हें खेत में जोतना है, मुझे देखना है वो कैसे काम करते हैं, मैं नहीं आ सकता। And the third told, I have just now married and so I will not be able to come. तीसरा कहता है मैंने हाल में ही विवाह किया, मैं नहीं आ सकता। So for example, if these are all lame excuses because if he is to test any piece of land, he must do it in the daytime but not in the night. In which this supper is being arranged. ये बहाने बहुत ही नाकाम हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि कोई भूमि खरीदा हो उसमें खेती हारी करना है तो वो दिन में ही करता है, कोई रात्रि के समय जाकर खेती हार नहीं करता, तो देख सकते हैं ये बहाना बना रहा है। And if anybody has purchased yoke, 5 yokes of oxen he has purchased, it is only in daytime that he has to take them to the field and he should test whether they are able to plow the ground well or not. और फिर यदि किसी ने बैलों का जोड़ा खरीदा है तो वह भी उसे परखने के लिए दिन में ही खेत में जाएगा, रात में कोई नहीं जाता। And in the case of the person who has married, so the invitations will be for both husband and wife. He doesn't mean that he has to leave his wife at home and should go alone, but the person has invited all the family members to take part in that dinner. और जो विवाहित है, जो बहाना वो कर रहा है, उसमें भी देख सकते हैं कि आमंत्रण दोनों को ही, पति और पत्नी दोनों को ही दिया गया, वो अकेला अपनी पत्नी को छोड़कर इस भोज में नहीं आ सकता, लेकिन वह भी जबकि नहीं आना चाहता, वह फालतू के बहाने बनाता है। And 22nd verse, and the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. 22वें आयत में लिखा है, दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसे ही किया गया है और फिर भी जगह खाली है। No, before that, 21st verse, he sent them to the streets and lanes of the city and told them to bring the poor, maimed, halt and blind. और जब कोई नहीं आते हैं, फिर आप देखते हैं 21वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि स्वामी क्रोध में आकर अपने दास से कहता है कि तुम नगर में, बाजार में, गलियों में जाओ, जितने कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को तुम पाओ उसे लेकर आ जाओ। And 22nd word he tells that the servants told that we have brought all the people maimed, lame, blind, etc. But still some room is there. Still people can go and sit. फिर आप देखते हैं बाद में जो नौकर होते हैं वो जाकर सारे लंगड़े, लूले, टुंडों को लेकर के आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत सी जगह खाली रहती है। And then he tells 23rd verse, go out into the highways and hedges and compel them to come in that my house be filled. 23वीं आयत में लिखा है, स्वामी ने फिर दासों से कहा, सड़कों पर जाओ और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को विवश करके ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। So for the sake of meditation, these three people, there are three types of people who are called but they didn't come, and those who are in the streets first time. To them, I just for the sake of meditation, I myself is not in the scriptures. I made it in another way, but the third type of people also in another way. और इस परिच्छेद को समझने के लिए तीन प्रकार के लोगों को आप वहाँ देख सकते हैं और हम देखेंगे कि उनका नमूना कैसे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। So the first people, those who are called, are none but the Israelites, the nation of Israel, but they have not come to the fold of God, or they could not because they have refused
to live according to the scriptures. So, वचन के अनुसार पहले दल के लोग हम समझ सकते हैं इज़राइली लोग हैं जिनको सबसे पहले प्राथमिकता देकर बुलाया गया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. But the second type of people also are only they, but I have taken as first category as before the coming of Christ, and even after coming of Christ also they have never obliged Christ, but they have refused him. So these are the second type of people. तो मसीह यीशु के आने के बाद भी मैंने उन लोगों को लिया है कि मसीह यीशु को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको तिरस्कृत किया, तो दूसरे दल के लोग भी वही हैं. But the third type of people, those who are generally nobody will be calling this type of people to any great feast etc. But that grace was on us, those who are Gentiles, and the gospel came to us so that we'll be able to repent our lives and go and share that luxurious supper that is being arranged for each of us. So तीसरे दल के लोग हो सकता है हम समझे कि हम वो लोग हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता, कोई नहीं बुलाता, हम जो अन्य जाति थे परमेश्वर ने हमें बुलाया उनके स्थान पर कि उस महाभोज में शामिल हो पाए. So we see in this three type of people, so many were called, but only very few were selected or chosen. देख सकते हैं इस दृष्टांत पे बहुत से लोगों को बुलाया गया लेकिन थोड़े ही लोग थे जो चुने गए. And we have seen that you and me were called or chosen. The second point what we see is why we have been chosen. और पहली बात हमने देखा हमें बुलाया गया है, हमें चुना गया है. दूसरी बात हम देखेंगे हमें क्यों चुना गया है. It is because it is so that we'll be able to live a holy life or righteous life. और ये इसलिए है कि हम पवित्र निष्कलंक जीवन हम व्यतीत कर पाए. In Leviticus 19:2, no need to read, you know the scripture. And also 1 Peter 1:16 tells, you shall be holy for I, the Lord your God, am holy. पहला पत्र 1:16 और लय व्यवस्था 19:2 में लिखा है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो. So the call is from righteous and holy God, and those who obey that call also must be holy, otherwise they will not be taking part or having communion with the person who has called them. तो जबकि परमेश्वर पवित्र है और धर्मी है तो जिसको उसने बुलाया है उन्हें भी पवित्र और धर्मी होना है, अन्यथा वह उसके समूह में भागीदारी नहीं ले सकते. सो व्हाट इज होलीनेस? इफ यू से द होलीनेस इज टू सेट अपार्ट, और एज वी नो यू आल्सो नो दैट द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ होलीनेस इज टू सेट अपार्ट एनीथिंग और आवर लाइफ so that God will be able to use that life for His sake. आप जानते हैं पवित्रता का मतलब क्या होता है कि अपने आप को किसी विशेष कार्य के लिए अलग कर देना ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपका उपयोग कर सके. And in 1 Corinthians 6:19, don't know it to write, you know the well. Do you not know that your body is the temple of the Holy Ghost, and you are not your own. और पहला कुरंती 6:19 में लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है. Your body and my body is a temple. What is a temple? A temple is a place where God is. और आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है. और मंदिर क्या है? जहां परमेश्वर निवास करता है. So He is writing to the Corinthians, you are the temple of living God. So how is your life? Or you are not of your own. You are the temple of living God, but you are not of your own, but you have been purchased. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि आप अपने खुद के नहीं हैं, परंतु आपको मोल देकर खरीद लिया गया है. 20th verse, for you are bought with a price, therefore glorify God in your body and your spirit, which are God's. 20 याद में लिखा क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. We are not of our own. We have been already been purchased by Christ by through His precious blood. And so whatever we do, there is no independent
choice for us, but whatever Christ tells, we have to do. तो हमारा खुद का कोई विकल्प, कोई चुनाव नहीं, जो कुछ मसीह हमसे कहता है, हमको वही करना है। To make you to understand well, in olden days, each family in Israel or Canaan, they used to have so many servants or what we call them as servants or slaves. और पुराने समय में आपको इस बात को बेहतर रूप से समझाने के लिए कहना चाहूँगा कि उन दिनों में हर एक परिवार के पास अपने खुद के नौकर या गुलाम दास हुआ करते थे। That slave or slaves were purchased by paying some amount to other people or the family, and they are not of their own. They belongs to the owner of the house. तो इन गुलामों को पैसे देकर खरीद लिया जाता था और उनका अपने आप पर कोई हक नहीं होता था। जिस मालिक ने उन्हें खरीदा है उसका हक उस गुलाम पर होता था। And that slaves, they don't have any authority on their own body. Whatever the Lord tells, he must act. And even the master has that much of authority even to beat them or give them suffering, even to kill them on the cross. और उन मालिकों का इतना अधिकार उस पर होता था कि उन्हें मारे, उन्हें प्रताड़ित करे और यहाँ तक कि उन्हें क्रूस में भी चढ़ा दे। So in the same way, you and me are not of our own. इसलिए आप और मैं अपने आप के नहीं हैं। We were under the control of Satan, and by paying Satan as a ransom by through his own blood, he has purchased us, and we don't have any individual choices, but our choice is nothing but to listen to the Christ what he tells. शैतान के हाथों बिके हुए थे, लेकिन मसीह यीशु ने अपने लहू को देकर आपको मोल लिया है और अब आप उसकी अधीनता में हैं। 20th verse, for you are bought with this price, therefore we have to glorify God through our body and spirit, which are God's. क्योंकि आपको दाम देकर मोल लिया गया है, इसलिए अपनी देह में द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। This is as individuals we are temples or the living place of God, and now we see some other portions as a collectively as a corporate body, that is church, we are the living or the place of the living place of God. वचन में हम देख सकते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन जब हम एक साथ मिल जाते हैं, हम जब कलीसिया में होते हैं, तो वह स्थान है, वो बन जाए जहां परमेश्वर की मौजूदगी होती है। Let us turn to Ephesians. इफिसी की पत्री में आ जाए, सेकेंड चैप्टर, दूसरा अध्याय, आई रीड 19 onwards. Therefore, 19 व्यास से पढ़ेंगे। Therefore, we are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। 21, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. 21वीं आयत, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है। In whom he also built together for an habitation of God through the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते रहे। So, when two, three people gather, that is the definition of God is there, that is a church, and in that group also he will be present. तो आप देख सकते हैं जहां कलीसिया में जहां दो या तीन इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्य में होती है। Also, so the next point, the third point, that is, we are seeing you have been chosen, you have been called, or you have been elected to be Christ's purpose. We are seeing what for you have been called. It is to live a holy life. Number three, it is also to live a blameless life. पहली बात हमने देखा कि आपको बुलाया गया है, आपको चुना गया है परमेश्वर के द्वारा। दूसरी बात हमने देखी आपको क्यों चुना गया है, क्यों बुलाया गया है। तो हमने देखा आपको पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। तीसरी बात हम देखेंगे कि आपको निष्कलंक होने के लिए परमेश्वर ने चुना है।
Ephesians 1st chapter, 4th verse, 2nd part, last part. Be holy and without blame for him in love. We are seeing we are holiness and also we must be without blame. Ephesians 1 का 4 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा आपको पवित्र और निष्कलंक होने के लिए बुलाया है, तो हमें ना ही केवल पवित्र होना है परंतु हमें निष्कलंक भी होना है. One verse, second Corinthians 6:3 will read. दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 उसका 3 हम पढ़ेंगे. Giving no offense in anything that the ministry not be blamed. हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना. In other way, blame is that he has not actually done that, then the mistake or sin, but people think that he has done and they blame him. दोष लगाने का मतलब ये कि उस व्यक्ति ने भले वो गुनाह नहीं किया हो लेकिन लोग आकर उस पर दोष लगाते हैं कि उसने ऐसा किया है. That type of chance also we should not give. इस प्रकार का मौका भी हमें नहीं देना है people may blame us. कि लोग हम पर आकर दोष लगाएं. First Corinthians 1:8. पहला कुरिन्थी 1:8. Who shall also confirm you unto the end that he may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष हो. All of us know that Christ is going to come another time, second time, but as a judge he is going to come. So at that time it is not only that we must be sanctified or we must be holy, but also we should not have any blame also in our own lives. तो हम सबको पता है मसीह यीशु फिर से एक बार आएगा और इस बार वो न्याय के रूप में आएगा, तो हमें ना ही केवल पवित्र होना है परंतु हमें निर्दोष भी होना है. If we are blame or if any blame is there, maybe what he does will be known, is not known to us, but it may be excused because he has not committed that. But when we present ourselves before the throne of Christ, we must be holy and also we must be without any blame. जब हम मसीह के सिंहासन के सामने खड़े किए जाते हैं, हम पर ना ही कोई दोष होना चाहिए, ना ही कोई कलंक होना चाहिए, हम निर्दोष उसके सामने प्रस्तुत किए जाएं. Second Peter, दूसरा पत्रस, 3:14 will read. 3:14 हम पढ़ेंगे. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन दिनों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो. Say for example, what is blame? Say one boy and girl is there, they are very mingling very often or meeting very often, and but as a brother and sister they may be gathering together, but people will blame them. That such is the case of blaming. अब दोष का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा. मान लीजिए एक लड़का और लड़की है, वो आपस में मिलते हैं ऐसे मित्रों के समान, लेकिन जो देखने वाले हैं वो उन पर दोष लगाते हैं कुछ गलत बातों को कहकर. यह एक दोष का उदाहरण हो सकता है. My fourth point is ordained before the foundations of the world. Ordained, we know what is ordination. और चौथा बिंदु मेरा है कि जगत की सृष्टि के पहले स्थापित करना और निर्धारित करना. On 26th of this month, we have seen one ordination service here. So consecrating any individual for Christ ordination. तो इस महीने की 26 तारीख में हमने देखा कि एक का नियुक्ति किया गया, तो हम देख सकते हैं मसीह यीशु में नियुक्ति करना भी परमेश्वर के वचन में दिया गया है. In short, we'll read John 15:16 also. He tells that he has also ordained them, and what for he has ordained? If we see
Mark 3:14, it is only, or in John, let us read Matthew 28:19. मत्ती 28 के 19 को पढ़ेंगे. So you can read in English. English में कोई पढ़ दे. 28:19. 28 के 19 पे. I'll read. I got it. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of Father and of the Son and the Holy Spirit. इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो. इसीलिए So, for this purpose only, Christ has ordained his disciples. इसी उद्देश्य के लिए मसीह यीशु ने अपने चेलों को नियुक्त किया. You and me are also ordained. आपका और मेरा भी नियुक्ति किया गया. For some purpose, it is only to preach the gospel and live an example, exemplary life, and also bring people to His kingdom. तो मसीह यीशु के वचन का प्रचार करना, एक नमूने का जीवन जीना और लोगों को परमेश्वर के राज्य में जोड़ना. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष देने का.